पेशेंट्स टाटा हॉस्पिटल्स के बाहर फुटपाथ वगैरह पे सोते हैं जी, पर इसमें यहाँ पे भी कैंसर एड एक रोल प्ले करता है, उनको रहने की सुविधा देता है, उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। कैसे, अभी वो कहीं अगर समझो अकोमोडेट है, रह रहे, अब उनको हॉस्पिटल जाने के लिए और लाने के लिए भी हमारी अपनी एम्बुलेंस सेवा है जो हम उनको देते हैं। इट इज बीन सेड दैट कैंसर इज अ डेडेड डिजीज, बट इट इज ओनली व्हेन इट इज नॉट बीन डायग्नोज। सो द की बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस ट्रीटमेंट इज टू डायग्नोज द कैंसर अर्ली। सो इट्स द ब्रीफ अबाउट कैंसर एंड रिसर्च फाउंडेशन। कैंसर सभी की मदद करता है, करता है और करता रहेगा। थैंक यू। जो इस संस्था से जुड़े और इन्होंने जिस तरह से ये सोशल काम करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, वैसे ही हमारे साथ जुड़ के और भी लोगों को इसमें जुड़ा के लोगों की मदद करने के लिए वो हमारे से जुड़े हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इनकी नियुक्ति की गई आपके संस्था? जी जी, आज से हमारे फाउंडेशन में अली भाई एज ए ट्रस्टी बोल के शामिल हुए। अली सर क्या कहना चाहेंगे, आज आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है संस्था की तरफ से? बहुत खुशी हो रही है। वैसे मैं पहले से जुड़ा हुआ था और पहले से भी काम करता आ रहा हूँ और शमशी साहब से बहुत पुराना ताल्लुकात है मेरा, ये पहले भी इन्होंने मुझे कहा था। और पिछले एक दो सालों में मेरे घर में खुद कैंसर से दो मौत हुई, मेरी सिस्टर, मेरे बड़े भैया, तो मैंने बहुत नज़दीक से इस बीमारी को देखा, समझा, जाना। तो मुझे लगा कि अगर हम जैसे लोग इनसे जुड़ते हैं, हम लोग एक इंडस्ट्री के लोग हैं, एक्टर हैं, तो हमारी वजह से बहुत सारे एक्टर जुड़ेंगे और बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। और सविता मैडम, पिछली बार भी जब इन लोगों ने हमें बुलाया, हमारे हाथों से बहुत सारे पेशेंट को चेक्स वगैरह दिलवाया, तो मुझे लगा कि ये जुड़ के और मिल के काम करने से बहुत लोगों की सेवा होगी। तो आज मैं एहसान भाई का, भाभी का, के गोस्वामी का, आरिफ भाई का, जमील का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसके पहले भी अकबर साहब भी आए, अकबर खान साहब भी आए, रजा भाई भी आने वाले हैं। बहुत सारे कलाकार दिल से चाहते हैं कि इस संस्था की मैं मदद करूं। योगेश लखानी जी ने आपके सामने मैंने बात किया था उनसे, वो भी चूंकि आज कई जगह इवेंट है लेकिन वो भी आएंगे। और कुछ लोग डोनेशन भी देना चाहते हैं, डोनेट भी करना चाहते हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे इस लायक समझा, इन दोनों ने मुझे अपनी संस्था में शामिल किया, एक पद से नवाजा, और मुझे लगता है कि आज से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई। मैम आप क्या कहना चाहोगी, किस तरह से काम कर रही है? सबसे पहले हमारे अली खान जी का शुक्रिया करना चाहती हूँ, वो हमारे संस्था में हमारे बोर्ड पे आ चुके हैं, वो हमारे लिए काफ़ी कुछ करते हैं और आज तो आप देख ही रहेंगे जो प्रोग्राम है उनकी वजह से, मिस्टर आरिफ जी, गोस्वामी जी, कुरेशी जी, मिसेस कुरेशी जी और मिस्टर पिचरवाला, ये सब इन सब चीज़ों के पीछे है। तो मैं चाहती हूँ, मैं अपील करना चाहती हूँ कि इन्हीं तरह इसी तरीके से और सेलिब्रिटीज़ आएँ, जिसमें हमारे साथ जो आज बैठे हैं वो हमारी हेल्प करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे। कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन का सबसे बड़ा मिशन जो है कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करना, उसको आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं ताकि कहाँ पे भी कोई भी पेशेंट पैसों की वजह से पीछे नहीं रह जाए। बस इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो इस एनजीओ से मैं बहुत पहले, जब मरहूम काजी साहब जिनका इधर पोस्टर लगा है, इन्होंने मुझे बुलवाया था, फंड रेजिंग का एक कार्यक्रम था जिसमें एक मनोरंजन टीम लेके मैं आया था भाईदास में, बहुत अच्छा हमने बड़े हॉल में शो किया था। तब से लगाव है, जब कभी बुलाते हैं शमशी साहब तो हम आते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, यानी आज परिवार को समय नहीं देता लोग, अपने परिवार को, खुद के, लेकिन बाहर से आए हुए पेशेंट को ये जगह देते हैं, दवाई देते हैं, चेक देते हैं, तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि इतना फंड कैसे जमा करते होंगे सर, कहाँ कहाँ से, सोर्स क्या है, कौन लोग आपको इतना फंड, क्या गवर्नमेंट से भी मिलता है, कुछ एड मिलती है आपको? नहीं, गवर्नमेंट से तो कोई हमारे पास ग्रांट नहीं है, बट हमारी जो है, हमारे लोग, मतलब जो हमारे डोनर्स हैं, वॉकिंग डोनर्स हैं, हम अपील देते हैं, हमारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, हम बहुत सारे मेडिकल कैंप्स करते हैं, लेक्चर्स करते हैं, जिससे हम लोग अवेयरनेस करते हैं कि कैंसर क्या है, क्योंकि आज कैंसर एक सबसे, मतलब बोलते हैं ना, डरावना शब्द है मेडिकल साइंस में। तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेस है, लाइक पेशेंट सर्विस डिपार्टमेंट है हमारे काफ प्रीमाइसिस के अंदर ही, जो पेशेंट्स लोगों की हेल्प करता है, उनकी सिर्फ फिनेंशियल हेल्प ही नहीं करता है तो उनकी केमो हेल्प भी करता है। और इतना ही नहीं, हम लोग काउंसिलिंग सेशंस भी करते हैं। ये काउंसिलिंग सेशंस में पेशेंट्स और पेशेंट्स के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनको जो ट्रॉमा होता है ये कैंसर का,
वो दूर करने के लिए उनके उनको समझाते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। और इसी अवेयरनेस से काफ़ी लोग हैं जो आगे होके आते हैं बढ़ जाए, जिसकी वजह से ये कैंसर रेट चल रही है। बहुत अच्छी बात। डे बाय डे द कैंसर रेट इज इंक्रीजिंग इन इंडिया। डू यू थिंक द गवर्नमेंट इज टेकिंग अ वेरी गुड स्टेप्स ऑन दिस इश्यूज रिगार्डिंग कैंसर? मेनी इनिशिएटिव्स आर बीइंग टेकन टू क्योर दिस डिजीज। पर कैंसर एक वर्ड ही ऐसा है कि अगर किसी को डिटेक्ट हो जाए तो वो आधा इंसान तो वहीं मर जाता है। सही बात है। क्या मुझे कैंसर हो गया? अब उसको हिम्मत देने के लिए ऐसे एनजीओज हैं, हमारे जैसे एनजीओज हैं जो उनको बुलाते हैं, उनको कोऑपरेट करते हैं, उनको फंड से हेल्प करते हैं। तो वी द मेन रीजन इज नाउ दैट आई हैव रेड इन द मेडिकल काउंसिल रिसर्च बुक द डाइटिशियन प्रॉब्लम इज देयर इन आवर इंडिया नाउ बिकॉज ऑफ डाइट पैटर्न इज चेंज एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इंक्रीजिंग अ डिजीज कैंसर। This is a reality fact or what no, you'd like to comment? No, see, there are many factors behind it and still research is going on. We cannot say what is the main factor behind this. So people going for a fitness due to dieting. So we cannot conclude that doing dieting because, creates cancer. We cannot say this. Diet it would be absolutely wrong. No. It cannot be said like this. Okay, so, sir, Arif ji, aap kuch kehna chahiye? क्योंकि हम जिस हिसाब से यहाँ आए हैं और इतना बड़ा काम जो यहाँ हो रहा है कि कैंसर पेशेंट बोले तो यूँ समझ लो कि अपनी मौत को सामने से देखता है, लेकिन उसको हिम्मत देना, उसको दिलासा देना, उसको दवाई देना, उसकी सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो नेक काम करते हैं आज के तारीख में, तो मैं कैंसर रिसर्च फाउंडेशन के लिए इतना ही कहूँगा कि गली गली में ये चर्चा आम होते रहा, ये दुआ की शक्ल में कि गली गली में चर्चा आम हो तेरा, फलक के चांद से ऊंचा मकाम हो तेरा। रिसर्च कैंसर रिसर्च फाउंडेशन है प्यारा, खुशी मिले सबको कि आसमां की बुलंदी पे नाम हो तेरा। सर, इसको पूरे देश में, मुंबई के साथ साथ पूरे देश में कैसे फैलाया जाए, इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी देखिए शुरुआत यहाँ से हुई है तो कोशिश यही होगी जहाँ भी जिसको जरूरत पड़े हम लोग उनकी मदद करेंगे। जो लोग हमें अप्रोच करेंगे हम लोग उनके लिए बिल्कुल जो मदद हो सकती है करेंगे। सर, आर यू टेकिंग द हेल्प ऑफ द आयुष्मान भारत अभियान दैट इंश्योरेंस स्कीम्स टू ट्रीट दिस पीपल? पेशेंट्स आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दैट आयुष्मान भारत, बट दे आर अवेयर अबाउट नो, द अवेयरनेस शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, बट देन सो वी आर इन्फॉर्मिंग देम अबाउट दिस। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी स्कीम है। इवन राजीव गांधी की भी एक स्कीम है जो पेशेंट जो है वो उसका लाभ उठाते हैं। थैंक यू। किसको जरूरत है तो उनको जरूर एड्रेस दीजिएगा और जो हो सकेगी हम समझी साहब से संपर्क करके, इस ऑफिस से संपर्क करके उनकी मदद करेंगे। थैंक यू। मैम, आप कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सच है बिल्कुल कि कैंसर जिसको भी होता है वो समझ लीजिए मौत को अपने करीब में देख रहा, सामने देख रहा। मेरी मदर भी कैंसर में ही गई, इसलिए मैंने बहुत करीब से उस चीज़ को देखा है, महसूस किया है, भोगा है। पर मैं एक छोटे से गांव से हूँ, मध्य प्रदेश से, तो मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे हमारे बड़े शहर में हम इतनी कोशिशें कर रहे हैं, मैडम कर रहे हैं, शमसी सर कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, तो छोटी जगह में ये उस हद तक पहुंच नहीं पाती जानकारियाँ जैसी होनी चाहिए। एक तो उसका मेन कारण इंग्लिश में बहुत ज़्यादा बातें होती हैं, जो मेरे इंग्लिश में अभी जितनी बातें हुई बहुत कम लोग समझ पाएंगे, नहीं है वो दौर, वो पुराने लोग भी नहीं समझ पाते हैं अभी भी, तो इसका थोड़ा सरलीकरण होना चाहिए, हिंदी स्टाइल में आप समझाएं। दूसरा, आप जो पिक्चराइज करके जो दिखाते हैं मतलब फिल्में छोटी छोटी, तो बताइए कि भाई ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो उसके शुरुआत में कैसे आपको सिम्टम्स लक्षण दिखाई देंगे, सर्वाइकल में कैसे दिखाई देंगे। मेरी गांव की कई महिलाएं ऐसी हैं जो 60 साल की हो गई जिनको सर्वाइकल हो गया है, पर उन्हें जो जो सिम्टम्स है वो उसको जनरल ले रही, समझ ही नहीं पा रही हैं। तो ये जो एक मतलब जानकारी का अभाव है वो छोटी जगह में होना बहुत जरूरी है, ये भी मैं चाहती हूँ यदि इस फील्ड में हम कुछ कर सके। जी, मैं आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन दिस। जी सर, इसमें हमारी मैडम ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, हमारी मैडम सीईओ सविता नाथानी जी ने, वो एक्सप्लेनेशन आपको बड़ी अच्छी तरीके से देंगे। बिल्कुल, आपने जो कहा वही आजकल प्रॉब्लम है। हाँ। जो स्लम एरियाज है वहाँ पे जो लोग रहते हैं जी, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, ये कहाँ जाना है इसके लिए। जैसे कैंसर एड एंड रिसर्च फाउंडेशन ये हेल्प करती है, उनको नहीं मालूम, क्योंकि आज तो अगर देखेंगे तो मिडिल क्लास के लोग भी इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जी हाँ जी। तो हम लोगों ने एक नया स्टेप लिया है इसमें जो है मिशन सहाय, जो हमने स्टार्ट किया है अभी, जिसमें हम स्लम एरियाज जो है मुंबई की वहाँ जाते हैं
और जो फ्री मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं जी, वो उनको उनके डोर स्टेप पे देते हैं. बहुत अच्छी एम्बुलेंस लेके जाते, बहुत अच्छी बात. वहाँ पे इंफॉर्मेशन लिफलेट्स वो लेके जाते हैं, हमारी डॉक्टर की टीम होती है जो उनको समझाती है, बताती है. तो ये हमने अभी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, बस अभी कुछ लोग और जुड़ेंगे तो हम इसे आगे ले जाएंगे. हम चाहेंगे कि बीच में बोल रहे हैं इसमें भी मैं चाहूंगी कि जैसे टाटा मेमोरियल ये अपना है रिसर्च फाउंडेशन, तो साल में एक बार दो या तीन दिन का कोई भी कैंप एक गांव को गोद लेके उसमें लगाया जाए. तीन दिन के लिए हम गांव में ही रहेंगे, हमारे ही डॉक्टर्स रहेंगे, वही करेंगे, तो वो जानकारी उन तक पहुंचेगी. बिल्कुल बिल्कुल. बॉम्बे में तो पहुंची जाती है, लोकल जगह बाकी शहरों में छोटे छोटे गांव में नहीं हो पा रहा. वहां के हॉस्पिटल से हम संपर्क करके अपनी सेवाएं देंगे, वो लोग भी मदद करेंगे. इसका कुछ नए स्तर पे काम होगा और कुछ अच्छे रिजल्ट हमको मिलेंगे. मैं ऐसा जरूर करेंगे. जहाँ इतनी महंगाई है और सब लोग अपने लिए जीते हैं, मेहनत करते हैं, अपने ही बच्चों में अपने ही परिवार में लगे रहते हैं, उस जगह पर इतनी महंगाई में भी ये कैंसर एड रिसर्च फाउंडेशन ने कहाँ कहाँ से धन इकट्ठा किया होगा और किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, कहाँ ढूंढ के निकालते हैं, एम्बुलेंस रखा है. सबसे पहले मैं के गोस्वामी आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि इस महंगाई में लोग अपने लिए भी नहीं कर पाते हैं, हमेशा अपने संपत्ति बनाने में लगे रहते हैं, अपने बच्चों में ही लगे रहते हैं, और ऐसे में आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं, कैंसर वालों की सेवा कर रहे हैं, और आप अपना घर परिवार छोड़कर आप टाइम निकालते हैं. हमारे पास टाइम नहीं होता, हम ये पिक्चर वाला भाई ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि चलिए चलिए वहाँ चलना है, जैसे ही सुना ये कैंसर पीड़ितों के लिए है और आप खुद से इतना इनिशिएट किया है आपने, आपका कोटि कोटि धन्यवाद. आप काबिले तारीफ है आपके वर्क, और ये मामूली काम नहीं है, आपको ऊपर वाले ने इसी. और भी लोग इस फाउंडेशन से ज़्यादा तादाद में जुड़े और लोग इस फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें. जो हेल्प लोग करेंगे वो हेल्प हम कैंसर पेशेंट्स को करेंगे. तो मैं अभी अली भाई के ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी आ जाती है कि अली भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फाउंडेशन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे और फाउंडेशन में डोनेशन लाया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंटों को हम हेल्प करें, वो अभी जिम्मेदारी हमारे अली भाई के ऊपर भी आ जाएगी. सर कोई जुड़ना चाहे आपसे हेल्प के लिए तो कैसे आपसे जुड़े, इसके लिए थोड़ा सा जानकारी देते हैं. हेल्प के लिए इन व्हाट सेंस, मतलब एनी पेशेंट डोनेशन. So, madam, you explain on this donation. मैं आपका सवाल समझी, डोनेशन के लिए अगर आपको कोई हेल्प करना चाहे, डोनेशन देना चाहे आपकी संस्था के लिए, तो कैसे आपसे जुड़े, कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करें? हमारे काफी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, लाइक फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, हमारी वेबसाइट है, काफी डेवलप है. आप अगर उसमें देखें तो उसमें एक कॉलम है, वहाँ पे वॉट यू कैन डू करके एक ऑप्शन है, वहाँ पे अगर आप क्लिक करके फॉर्म फिल करेंगे तो इमीडिएटली हमारे ईमेल में आपका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और हमारी क्राफ्ट टीम जो है वो खुद आके आपसे कॉन्टैक्ट करेगी. इतना ही नहीं तो हमारे जो वॉक इन डोनर्स हैं, चेक से, नेट बैंकिंग से, हमारे काफ़ी अकाउंट्स हैं जो अगर आप देखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पेज है, वहाँ पे कैंसर एड का भी नाम है जिसमें आप डोनेशन दे सकते हैं, डायरेक्ट डोनेशन दे सकते हैं. चेक्स भेज के भी होता है, वॉक इन डोनर्स आ सकते हैं. हमारे दो ऑफिसेस हैं, एक विक्रोली में है, एक बाइकला में, तो वो कभी भी हमसे जुड़ सकते हैं. बहुत सोर्सेस हो सकेगा. मैं इसके लिए जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं फिल्म इंडस्ट्री की, उनको अप्रोच करूंगा, उनसे वक्त मांगूंगा. जो पैसा और कई जगह जाता है, एक छोटा सा अमाउंट यहाँ आएगा, अगर ऐसे 10 लोग भी देंगे तो मुझे लगता है कि इस संस्था से बहुत लोगों का फायदा होगा. अरिफ भाई और इन्हीं के हाथों से चेक देके ऑलमोस्ट 3 लाख के करीब हमने आज चेक डिस्ट्रीब्यूशन की है. ऐसे भी लोग हैं जिसे आराम मिला है. Of course, there are many cancer patients who are now a survivors, जो मतलब ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाते हैं. और ऐसा नहीं है कि कैंसर के नाम से लोग डर जाते हैं, लेकिन अगर उसका पहले से ही उसका डायग्नोस हो जाए, उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो जाए, तो बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर एक आम जिंदगी जी सकते. थैंक यू सर का बहुत बहुत शुक्रिया.
मीडिया के इतने सारे आप जलवे छोड़ के आए, वरना फिल्म स्टार के पीछे कैमरा लेके भागते हैं, शूटिंग के पीछे भागते हैं, समाज को उससे कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट के तो हजारों साधन हैं। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने कैच किए, यहाँ बैठे शामिल हुए, इसके लिए आपको मुबारकबाद। और ये दिखाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये काम, अच्छे कामों को दिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम तो न्यूज़ खोलते हैं 12 घंटे में 11 घंटे क्राइम देखते हैं। पेट्रोल पंप में डकैती हो गई, इसने स्कूटर कोड़ा दिया, देखिए ये बम्स हुआ, और वो रिपीट करके हम थक गए। ये कुछ अच्छे काम हैं जो समाज तक जाना चाहिए। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसी चीज़ें आप ज़रूर कैच करें और उसको समाज तक पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच। और आप भी, आपका सबसे बड़ा सहयोग यही होगा, आपको देखकर 10-20 लाख की मदद अगर इसको मिलेगी फाउंडेशन को, इसका सिरा आपको जाएगा। थैंक यू।